गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आइए आज जो है ये मैजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम लोग कुछ नए वाक्य सीखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है इस स्पोकन क्लासेस के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोगों में काफी इम्प्रूवमेंट आया है, कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था। तो चलिए कुछ आज फिर नए हम वाक्यों को सीखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे उसे हम लोग बोलेंगे, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, किस तरह से उसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। तो चलिए जो डेली यूज इन कन्वर्सेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे वाक्यों को आज हम बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि वाक्य अभी आए, ठीक है, कि आज किधर का चांद निकला, इस तरह से हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि आज किधर का चांद निकला है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज किधर का चांद, निकला है आज किधर का चांद निकला है, तो क्या बनाएंगे इसका, कि व्हाट विंड ब्लो यू हाइदर, ठीक है ना, व्हाट विंड ब्लू यू हाइदर लिख लेते हैं इसे, कि व्हाट विंड ब्लू यू हाइदर HITHER आज किधर का चांद निकला है, ठीक है, आज किधर का चांद निकला है, व्हाट विंड ब्लू यू हाइदर, ब्लू यू हाइदर, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलेंगे सर, व्हाट विंड ब्लू यू हाइदर HITHER हाइदर आज किधर का चांद निकला है, ठीक है ना। इसी तरह से कहा जाए कि हद कर दी आपने, ऐसे वाक्य आते हैं कि हद कर दी आपने, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, यू वेंट बियॉन्ड द लिमिट, क्या लिखेंगे, यू वेंट बियॉन्ड द लिमिट, क्या होगा इसका, यू वेंट बियॉन्ड द लिमिट, हद कर दी आपने, ठीक है। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, जैसे कहा जाए कि रेखा या किसी का नाम कशर चक्रा रहा है, ठीक है ना, जैसे लिख लेते हैं, रेखा का शर चकरा रहा है या चक्कर आ रहा है, जिसको कहते हैं रेखा का शर चकरा रहा है, ठीक है ना, शर चकरा रहा है, तो रेखास हेड इज रेलिंग, क्या बोलेंगे इसको, रेखास हेड इज रीलिंग, RELLING, रीलिंग, ठीक है, चक्कर आना, रेखास हेड इज रीलिंग, रेखा का सर चकरा रहा है, ठीक है, उसे तेज बुखार है, लिखते हैं, उसे तेज बुखार है, ओके, उसे तेज बुखार है, तो ही या सी इज रनिंग हाई टेम्परेचर, यहां उसे मेल या फीमेल के अनुसार लगा देंगे, ही या सी इज रनिंग
रनिंग हाई टेम्परेचर ओके ही या सी इज रनिंग हाई टेम्परेचर TEMPERE हाई टेम्परेचर ठीक है उसे तेज बुखार है इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस ठीक है कि मैं अपने वादे का पक्का हूं मैं अपने वादे का पक्का हूं वाक्य है कि मैं अपने वादे का पक्का हूं ठीक है तो आई एम ए मैन ऑफ वर्ड आई एम ए मैन ऑफ वर्ड डब्ल्यू ओ आर डी तो लिख लेते हैं कि आई एम ए मैन ऑफ वर्ड मैं वादे का पक्का हूं आई एम ए मैन ऑफ वर्ड ओके आई एम ए मैन ऑफ वर्ड मैं अपने वादे का पक्का हूं ठीक है तुम ठंडे दिमाग के आदमी नहीं हो वाक्य यदि आए कि तुम ठंडे दिमाग के आदमी नहीं हो ठीक है ना तो लिख लेते हैं कि तुम ठंडे दिमाग के आदमी नहीं हो ओके तुम ठंडे दिमाग के आदमी नहीं हो तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे यू आर नॉट ए कूल हेडेड मैन ओके लिख लेते हैं यू आर नॉट कूल हेडेड मैन ओके यू आर नॉट कूल हेडेड मैन तुम ठंडे दिमाग के आदमी नहीं हो ठीक है ना आगे आ जाता है वाक्य इसी तरह से कि वह ठीक रहा है या नहीं है ठीक है वह ठीक रहा है या सुधीर ठीक रहा है किसी का नाम दे देंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे ही इज स्नीजिंग ही इज स्नीजिंग वह ठीक रहा है ठीक है वह ठीक रहा है इसी तरह से बला की सर्दी है ठीक है वाक्य यदि आता है कि बला की सर्दी है बला की सर्दी है तो क्या बना देंगे इट इज बाइटिंग कोल्ड बला की सर्दी है ठीक है बला की सर्दी है इट इज बाइटिंग कोल्ड इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि राहुल पढ़ने में अच्छा था तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसे इंग्लिश में बोलना होगा तो बोलेंगे राहुल पढ़ने में अच्छा था ठीक है ना तुम पढ़ने में भोदू हो ठीक है तुम पढ़ने में तू पढ़ने में भोदू हो ठीक है तू पढ़ने में भोदू हो तो क्या बना देंगे यू आर बैड एट स्टडीज तू पढ़ने में भोदू हो यू आर
bad at studies. Okay. इसी तरह से आपका जैसे कहा दिया जाए कि वह चांदी काट रहा है, ठीक है, वह चांदी काट रहा है या आप तो चांदी काट रहे हैं, ओके, आप तो चांदी काट रहे हैं या वह चांदी काट रहा है, ठीक है, या काट रही है, तो क्या हो जाएगा, ही इज या he is minting minting money, minting money, वह चांदी काट रहा, he is minting money, तुम चांदी काट रही हो, you are minting money, वह चांदी काट रही है, she is minting money, तो इस तरह से जो है हम लोग आमतौर के बोलचाल की भाषा में वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें बोलने में सफिशिएंट होता है, कठिनाइयां होती हैं, थोड़ा उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, नियंत्रण इसको बोलने का प्रयास करेंगे अपने एनवायरमेंट में, जब भी आप बोले तो उसमें 50% इंग्लिश के साथ बोले, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहा है और प्रैक्टिस जो है आप आदमी को किसी भी काम को सिखा सकता है। तो चलिए आज तक इतना ही, यह वीडियो आपको कितना पसंद आया मुझे लाइक करके जरूर बताएंगे और वीडियो कमेंट बॉक्स में आप इससे संबंधित कोई भी चीज जान सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।